अरावली के मालपुर तहसील के लालपुर गांव में एडवांटा एंटरप्राइज कंपनी के हाइब्रिड मक्के की पीएसी 751 अलर्ट सभा का आयोजन किया गया। एडवांटा एंटरप्राइज कंपनी के मेन अधिकारी टेरिटरी मैनेजर श्री मुकेश चौधरी की उपस्थिति में हाइब्रिड मकई की अलग अलग तरह की उपज और खेत पद्धति के बारे में किसानों को जानकारी दी गई और बायो एथिलोन मक्के का क्या योगदान है और आगे उसका भविष्य क्या रहेगा, किसानों को उसके क्या आर्थिक लाभ होंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। यूपिल कंपनी के बायो इथेनॉल के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। नमस्ते सबको, मेरा नाम कुणाल भट्टाचार्या है। मैं आज इस अरावली जिले के इस गांव में आया था। हमारा मक्का उगाओ प्रोग्राम चल रहा है कंपनी का, उसी चीज़ को हम डिस्कस करने के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। यहाँ एडवांटा टीम की पूरी लोकल टीम, एडवांटा सीड्स की पूरी लोकल टीम मौजूद है और मैं खुद हैदराबाद ऑफिस से आया हुआ हूँ। आज इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था कि अपने किसान भाइयों के साथ जो कंपनी का मक्का उगाओ मिशन है इथेनॉल को मद्देनज़र रखते हुए, उस चीज़ के बारे में किसान भाइयों को जागरूक किया जाए। और कंपनी का ये मानना है कि जिस तेज़ी से इथेनॉल का ये चल रहा है, जो इथेनॉल वेव चल रही है कंपनी में, जो इथेनॉल वेव चल रही है कंट्री में, हमें पता है कि किस हिसाब से इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के हिसाब से टारगेट्स है, तो हम ये चाहते थे कि अपने किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मक्का उगाओ कैंपेन के तहत मक्का आने वाले दिन में मक्के की स्थिति क्या होने वाली है, मक्के के रेट्स कैसे होने वाले हैं, कैसे इथेनॉल कंपनीज आगे जाके मक्का अपना सोर्स करने वाली है इथेनॉल बनाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 2025-26 तक सरकार ने अपना 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है पेट्रोल में, जिसके लिए ऑलमोस्ट आपको 1000 करोड़ लीटर की इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए देश में। आज कहीं हम करें एंड 500 या 550 करोड़ लीटर के आसपास की प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंट्री में, तो वो जो बीच का गैप है उसको कैसे हम आगे जोड़ पाए ताकि हम 1000 करोड़ लीटर तक का अपना प्रोडक्शन कर पाए इथेनॉल का 25-26 में, एंड उसके लिए मक्के का क्या रोल होने वाला है। तो आने वाले टाइम में मक्के का जो पोजीशन होने वाला है एंड मक्के मेज एज ए क्रॉप कैसे ग्रो करेगा, उस चीज़ के बारे में हमने किसान भाइयों को बताई आज ये बात। एंड कंपनी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि अपने किसान भाई जो अपने साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा जागरूक रहे, उसको उनको ये बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन रहे कि मार्केट में क्या चल रही है, नहीं चल रही है बातें, और मीज एज ए क्रॉप कैसे प्रोग्रेस कर रही है इन दी ओवरऑल फोर फ्रंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव आज।